चलिए दोस्तों बात करते हैं कक्षा 12 जीव विज्ञान की। तो जीव विज्ञान में सबसे जो पहला चैप्टर जीव में जनअंतरिक्ष चैप्टर की बात करते हैं, इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट हेडिंग हैं एनसीईआरटी में जो हैं उन सबको अच्छे से देख लेंगे, एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहली हेडिंग जो है जीवन अवधि, क्या जीवन अवधि को परिभाषित कीजिए। तो जीवन अवधि क्या होती है तो देखेंगे, जीव का जन्म से प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि जीवन अवधि कहलाती है। क्या? तो जीव का जन्म से, जब जन्म होता है उससे मृत्यु तक, प्राकृतिक मृत्यु का मतलब जो आप एज पूरी करके मृत्यु होती, जैसे आपकी जैसे जीवन प्रत्यास्था है 65 वर्ष है मनुष्य के, तो 65 वर्ष के बाद जब मर जाएंगे और जन्म लेने के बाद जब 65 वर्ष के बाद मर जाएंगे तो इसके बीच की जो अवधि उसको जीवन अवधि बोलेंगे। अब देखेंगे जैसे हाथी की जीवन अवधि 75 वर्ष और कुत्ता की 50 से 16, कुत्ता की 15 वर्ष और 15 से 16 वर्ष लगभग मान के चलेंगे 15 वर्ष है। तोता की देखेंगे 40 वर्ष है और क्या मगरमच्छ की 60 वर्ष है, घोड़ा की 50 वर्ष है, कछुआ की 100 से 150 वर्ष है और एक होता है वृक्ष बरगद, बघालस बघेली जो राष्ट्रीय वृक्ष है भारत का, तो इसकी बरगद की आयु कितनी है तो बरगद की 200 वर्ष कितनी है, 200 वर्ष है। इतना याद कर लेंगे जीवन अवधि, ये हेडिंग हम क्लियर हो गई होगी आप सबको। इसमें क्या लिखेंगे, जीवन अवधि में हेडिंग लिख देंगे जीव का जन्म से प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि जीवन अवधि कहलाती है। जैसे एक दो लिख देंगे, जैसे हाथी की, मगरमच्छ की, बरगद की और कछुआ की लिख देंगे बस। अब देखेंगे जीवन चक्र को परिभाषित कीजिए। तो ये छोटी छोटी हेडिंग है, इनको एक बार देख लेना है बस, आप बोर्ड में पूछा जाएगा तो आप अच्छे से लिख लेंगे। जीवन चक्र, तो पृथ्वी पर उपस्थित सभी जीवों का एक निश्चित जीवन चक्र होता है, इतना लिखेंगे बस। जीवन चक्र में ज़्यादा कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इंपॉर्टेंट कम में पूछा कम जाता है, लेकिन ये याद रखेंगे पृथ्वी पर उपस्थित सभी जीवों का एक निश्चित जीवन चक्र होता है या एक निश्चित चक्र होता है जिसे जीवन चक्र कहते हैं। अब यहाँ से बात करते हैं जनन क्या है, क्या जनन, व्हाट इज रिप्रोडक्शन, जनन को परिभाषित कीजिए। अब यहाँ से दोस्तों बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बोर्ड में यहीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला जनन है क्या, तो जीवों द्वारा अपनी जात के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, क्या जीवों द्वारा अपनी जात के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अपने जैसे संतानों को जन्म देते हैं, या जन्म देना जनन कहलाता है, क्या जनन कहलाता है, या जो मैंने लिखा है क्या, जीवों द्वारा अपनी जात के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अपने जैसे संतान को जन्म देते हैं यह प्रक्रिया जनन कहलाती है और जनन जीवधारियों का सामान्य लक्षण। इतना और बढ़ा देंगे इसमें तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। अब टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, तो जनन को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, कितने भागों में, दो भागों में बांटा गया, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अलैंगिक जनन हो गया पहला, दूसरा क्या हो गया लैंगिक जनन। अब अलैंगिक जनन देखेंगे, क्या देखेंगे, सबसे पहले अलैंगिक जनन और उसके हम भेद देख लेते हैं। तो अलैंगिक जनन में बात करेंगे, अलैंगिक जनन होता क्या है, तो जिस जनन प्रक्रिया में एक जनक भाग लेता है, भाग लेता है, भैया यहाँ पे लिखें क्योंकि एक वचन है, जिस जनन प्रक्रिया में क्या एक जनक भाग लेता है उसे क्या बोलते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं। अर्थात इसमें जो जनक होता है एक होगा, नर मादा नहीं, मतलब एक हो उससे क्या संतान का निर्माण हो जाएगा, नर हो या मादा हो इससे मतलब नहीं, इसमें निषेचन की क्रिया नहीं होती कि दो हो, दो में क्या होगा निषेचन होगा तो नया जीव बनेगा, अर्थात जयगोट बनेगा, जयगोट से नया जीव बनेगा, तो ऐसा कुछ नहीं इसमें। क्या, जिस जनन प्रक्रिया में एक ही जनक भाग लेता है और उसी से संतान का निर्माण हो जाता है, ऐसे जनन को अलैंगिक जनन कहते हैं। अब नोट में दो तीन बातें अलैंगिक जनन में लिख देंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखेंगे अलैंगिक जनन एक जनकीय प्रक्रिया है, तो एक जनक लेता है इसके लिए एक जन की प्रक्रिया हो गई। आगे देखेंगे पादपों में अलैंगिक जनन के लिए असंग जनता शब्द का प्रयोग करते हैं, अर्थात जो प्लांट होते हैं उसमें अलैंगिक जनन होता है उसके लिए असंग जनन का प्रयोग करते हैं। क्या वो प्रयोग करते हैं वर्ड का, असंग जनन क्या है, तो पादपों में अलैंगिक जनन जो होता है उसी को असंग जनन बोलते हैं, बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया, इसको याद रखेंगे। आगे इससे प्राप्त संतानों को क्लोन कहते हैं, तो क्लोन क्या होता है, तो क्लोन का मतलब हूबहू उसी प्रकार की संतान होना, जैसे आम का वृक्ष है, जब आम का वृक्ष लगाएंगे तो उसी जैसा नया पौधा बनेगा आम का, तो को क्लोन बोलते, क्लोन का मतलब सेम उसी जैसा। आगे देखेंगे इसमें निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती, तो अभी बताए थे नर मादा है नहीं, तो नर मादा नर के शुक्राणु और मादा के अंडाणु मिलते तो जयगोट बनता, यही क्रिया निषेचन कहलाती, लेकिन इसमें ऐसा तो कुछ है नहीं, तो इसमें निषेचन की प्रक्रिया क्या नहीं होती है। आगे यह अपेक्षाकृत सरल जीवों में यह प्रक्रिया होता है, अर्थात एक कोष के जो सरल जीव है उसमें अधिकतर अलैंगिक जनन पाया जाता है। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं, अब देखेंगे अलैंगिक जनन की विधियां देखेंगे, क्या देखेंगे अलैंगिक जनन की विधियां। तो अलैंगिक जनन को निम्नलिखित 6 भागों में बांटा गया है,
पहला हो गया विखंडन, फीजन, और अगला हो गया खंडन, तो खंडन को क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। मुकुलन हो गया, तो मुकुलन को बडिंग बोलते हैं। अगला बीजाणु जनन, तो बायस्पोर्स हो गया। और कायिक प्रवर्धन, तो विजिटेटिव प्रोपेगेशन, क्या विजिटेटिव कायिक प्रवर्धन को क्या बोलेंगे, विजिटेटिव और प्रोपागेशन, प्रोपागेशन हो जाएगा। और पुनरुद्भवन को क्या बोलेंगे, रीजनरेशन, क्या बोलेंगे, रीजनरेशन। तो एक एक करके सबकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्या हो गया, विखंडन हो गया, क्या हो गया आपका, विखंडन हो गया। तो विखंडन में देखेंगे सबसे पहले किस में देखेंगे, विखंडन में देखेंगे। तो विखंडन में क्या होता है, अलैंगिक जनन की इस विधि में, क्या अलैंगिक जनन की इस विधि में जनक कोशिका दो या दो से अधिक, क्या लिखा है यहाँ पे, दो या दो से अधिक, क्या दो या दो से अधिक भागों में बट जाती है तथा प्रत्येक भाग से नए जीव का निर्माण कर लेती है, हो जाता है, यह प्रक्रिया विखंडन कहलाती है। विखंडन को निरंतर का प्रकार देखेंगे, तो जो विखंडन का पहला प्रकार है वो क्या है, द्विखंडन है। विखंडन का पहला प्रकार है द्विखंडन, तो द्विखंडन में क्या होगा देखेंगे, जब जनक कोशिकाएं दो भागों में बट जाती हैं तथा प्रत्येक भाग से नए जीव का निर्माण कर लेती हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, द्विखंडन या बाइनरी फ्यूजन बोलते हैं। जैसे अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम। अब द्विखंडन जो इसके भी भाग हैं, तो इसके निम्नलिखित तीन भाग हैं, कितने भाग हैं, तीन भाग हैं। तो पहला जो द्विखंडन है, इसका पहला भाग है सरल द्विखंडन, क्या, तो इस प्रकार के जनन में विभाजन तल निश्चित नहीं होता, अर्थात किसी शरीर के किसी आर्गन से विभाजन होकर के नया जीव बन जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, सरल द्विखंडन बोलते हैं, जैसे अमीबा में। अब देखेंगे अनुलंब द्विखंडन, क्या देखेंगे, अनुलंब द्विखंडन। तो अनुलंब द्विखंडन में क्या होता है, इस विधि में विभाजन का तल, इस विधि में क्या, किसका तल, तो विभाजन का तल जनक कोशिका के शरीर की सतह के अनुलंब होता, शरीर की सतह के अनुलंब होता। तो जैसे इसे क्या बोलेंगे, यूलिना। फिर से देखेंगे, इस विधि में विभाजन का तल जनक कोशिका के शरीर की सतह के अनुलंब होता है, उसे अनुलंब द्विखंडन बोलते हैं। जैसे क्या हो गया, युगलीना हो गया। अब ये तीन प्रकार का होता है द्विखंडन। तो अगला प्रकार देखेंगे, अब अगला प्रकार देखेंगे, तो अगला प्रकार हो गया अनुप्रस्थ द्विखंडन हो गया। क्या हो गया, अनुप्रस्थ द्विखंडन हो गया। तो इसमें विभाजन का तल, क्या, इसमें विभाजन का तल जनक कोशिका जीव के शरीर की सतह के अनुप्रस्थ होता है। ऐसे जनन को अनुप्रस्थ या ऐसे द्विखंडन को क्या, अनुप्रस्थ द्विविखंडन बोलते हैं, जैसे पैरामीशियम हो जाएगा। सबसे एग्जाम्पल इसमें इंपॉर्टेंट है, क्या एग्जाम्पल इसके, जैसे अनुप्रस्थ हो गया, तो अनुप्रस्थ में एग्जाम्पल क्या याद रखना, पैरामीशियम। तो तीनों के एग्जाम्पल बहुत अच्छे से आप याद करेंगे। अब देखेंगे जो क्या था, खंडन था, द्विखंडन और उसके प्रकार थे, द्विखंडन के तीन प्रकार थे। अब जो खंडन था, फीजन था, उसके दो प्रकार थे, एक हो गया द्विखंडन, एक बहुखंडन। तो बहुखंडन में देखेंगे क्या होता है, तो इस विधि में जनक कोशिका या जीव दो से अधिक, क्या, दो या दो से अधिक भागों में बढ़ जाती हैं और प्रत्येक भाग से नए जीव का निर्माण कर लेती हैं, अतः जनन की इस विधि को बहुखंडन कहते हैं। अतः नहीं लगाएंगे, बस यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, इस विधि में जनक कोशिका या जीव दो या दो से अधिक, क्या लिखेंगे, दो या दो से अधिक भागों में बट जाती है और प्रत्येक भाग से नए जीव का निर्माण कर लेती है, इस प्रक्रिया को या इस विधि को बहुखंडन बोलते हैं। जैसे प्लाज्मोडियम, तो प्लाज्मोडियम क्या है, जो मलेरिया का कारक है उसको प्लाज्मोडियम बोलते हैं। इसका संचरण कौन करता है, तो मादा एनाफिलीज मच्छर करती है, ये भी याद रखेंगे। अमीबा, तो एंट अमीबा, हिस्टोलिटिका अमीबा, ये जो प्लाज्मोडियम अमीबा है, दोनों मनुष्य के आदमी परजीवी हैं, दोनों पाए जाते हैं और इसमें बहुखंडन होता है। तो दोस्तों आगे अलैंगिक जनन के जो प्रकार हैं उनकी बात अगले वीडियो में होगी, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।